हे hey, क्या आप लोग भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हो? आपने चेतन भाई की पुरानी वीडियो देख ली है जिसका लिंक आई बटन में है, जिसमें चेतन भाई ने बताया था कि यार इन्वेस्टिंग करते कैसे हैं, बेसिक्स क्या होता है, NSE BSE IPO ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो गाइज आप सबको समझ आ गया है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बट अब आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप मार्केट में निवेश करना चाहते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, क्या आपका पहला स्टेप होना चाहिए, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइज अगर ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हो तो आज इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख सकते हो। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे 5 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, ऐसे 5 चीज़ें आपको मैं आज बताऊंगा जिसकी प्रॉब्लम हर किसी बंदे को रहती है जो भी स्टॉक मार्केट में नया है। तो गाइज नंबर 1, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, वो है कि इन्वेस्टिंग करने का सही समय कौन सा है, द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, नंबर 1 ये है। नंबर 2 कि हम लोग कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं, हमें इन्वेस्टिंग करने के लिए स्टार्टिंग में कितने रुपये चाहिए। नंबर 3 कि हम लोग कौन से स्टॉक को पिक करें, कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा स्टॉक हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे पाएगा। नंबर 4 कि हम लोग एक स्टॉक को खरीद लिए, अब उसको कितने लंबे समय तक हमें रखना है, कि हाउ लॉन्ग यू शुड होल्ड अ स्टॉक, ये इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नंबर 5 द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्टिंग, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी बहुत सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 1 द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो गाइज इसका जवाब क्या है आपको पता है? इसका जवाब है कि देयर इज नो राइट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग। यहाँ पर राइट टाइम कोई भी नहीं है, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे, कोई भी इसका सही समय नहीं है, आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वो कहते हैं ना, जब जागो सभी सवेरा, आप आज भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कल भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जब आपका मन करे तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई राइट टाइम नहीं होता है कि आप मुहूर्त निकाल के इन्वेस्टिंग नहीं करते हो भाई, आप मुहूर्त नहीं निकालना है, जब आपको सही लगे तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और गाइज स्टॉक मार्केट में ना अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होती है, हर एक सेकंड में वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर एक सेकंड में वहाँ पर अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो गाइज अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। और गाइज और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि गाइज आप जितना जल्दी इस फील्ड में आते हो ना, जितना जल्दी आप ये सब सीखते हो उतना ज़्यादा आपको ही फ़ायदा होगा। आपको सीखने को मिलेगा कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, और इन्वेस्टिंग और सेविंग के बीच में जो रियल डिफरेंस है वो क्या होता है। आप पैसे बचाते भी हो, बट जो अमीर लोग होते हैं वो उसी पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी अगर आप इन्वेस्टिंग फील्ड में जाते हो, और ऐसा नहीं कि आप बस गए एंड जाकर बस वहाँ पे पैसे डाल दिए। आपको उसके बारे में यार सीखना है कि यार ये इन्वेस्टिंग होता क्या है, ये स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, वो सब चीज़ों के लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हो। तो गाइज अगर आप ये सब चीज़ें सीखोगे ना, आप ये सब चीज़ें जानना स्टार्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा यार ये सब चीज़ होती क्या है, कितना ह्यूज फील्ड है इन्वेस्टिंग करना, और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 2 हाउ मच यू शुड इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्ट करना कितना चाहिए। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, अगर आपने अभी इन्वेस्टिंग शुरू की है, तो कितने पैसे आपको लगाने चाहिए स्टार्टिंग में। तो गाइज इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक मैंने मतलब एक बेसिक रूल मैं आपको बताता हूं, वो है 50-30-20 रूल। ये क्या होता है यार 50-30-20? तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो गाइज आप लोगों का इतना खर्चा तो नहीं होता होगा, हमारे पेरेंट्स ही हमारे ऊपर खर्चा करते हैं, हमारा तो इतना खुद का खर्चा नहीं होता है, हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी पॉकेट मनी का 50% इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, 50% पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई बर्डन नहीं रहता है, हम एकदम फ्री हैं, हम लोग एकदम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो 50% पैसा ऐसा, और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप 100 रुपये से 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज आप लोग परसेंटेज के हिसाब से देखिए, मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से बताता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो 50% बेस्ट रहेगा। अगर आपकी एज 30 हो चुकी है, मतलब आप थोड़े बड़े हो चुके हो, यहाँ पर आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, थोड़े आपको प्रेशर आ जाता है, उस समय आप ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, उस समय आप ओनली 30% अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, जितना आपका इनकम है उसमें आप 30% उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपकी एज 50 से ऊपर हो गई है, आपकी एज हो गई है, उस समय यार हम खुद नहीं कमाते हैं,
उस समय हमारी कमाई भी कम हो जाती है एंड तो उस समय ना हम ओनली 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20% एकदम बेस्ट रहेगा। तो ये है 50-30-20 रूल कि आप जितने छोटे हो उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करो, जितने बड़े होते जाओगे उतनी सारी जिम्मेदारियाँ आती रहेंगी, तो उस समय आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मेरा क्या रहेगा कि आप 30% ज़रूर इन्वेस्ट करो। तो ये आपको बहुत अच्छा, आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना कि आपके पैसे आपके लिए काम करते हो, और बाकी जगहों में क्या होता है, आप लोग पैसे के लिए काम करते हो, स्टॉक मार्केट में पैसे आपके लिए काम करते हैं। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, तो ये चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो तीसरा सवाल आता है कि हमें कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए, कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो गाइज़ इसका जवाब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि गाइज़ अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते स्टार्टिंग में, तो आप क्या कर सकते हो, लार्ज कैप वाली कंपनीज़ को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसी कंपनीज़ में जो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उसको हम लार्ज कैप कहते हैं। देखिए लार्ज कैप कंपनीज़ में क्या होता है कि जैसे रिलायंस हो गया, ये सब क्या है, रिलायंस MRF, ये सब लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पर ना गाइज़ डूबने का डर बहुत कम रहता है कि आपको लगता है यार रिलायंस अभी डूबेगी, मतलब हो तो कुछ भी सकता है, बट एक हमारे पास ट्रस्ट है ना, रिलायंस के ऊपर हमारा एक ट्रस्ट है, तो उस तरह से आप एकदम ट्रस्टेड कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा आपका रिस्क। तो लार्ज कैप तीन तरह का होता है, एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। तो गाइस जो लार्ज कैप होता है उसमें क्या होता है, जो 20,000 करोड़ से बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, 20,000 करोड़ से ऊपर की, तो उसको हम लोग कहते हैं लार्ज कैप। और जो 5,000 से 20,000 के अंदर में आती है, मतलब 20,000 से कम है और 5,000 से ज़्यादा है, वैसी कंपनीज जो होती है ना वो होती है मिड कैप। और जो स्मॉल कैप होती है वो होती है कि जो जिसका 5,000 करोड़ से भी बहुत कम है, 5,000 करोड़ से भी जिसका बहुत कम होता है, जो 5,000 करोड़ को भी टच नहीं कर पाया अभी तक, वो सब आती हैं स्मॉल कैप में। तो ये तीन तरह की कंपनी वो होते हैं, कैप्स होते हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक चुन सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो और आप रिक्स इतना नहीं लेना चाहते तो लार्ज कैप चुनना बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाला काम रहेगा। गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि हम कितने लंबे समय तक अपने स्टॉक को होल्ड करके रखें, तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि गाइज जितना ज़्यादा समय तक आप अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। बिकॉज गाइज हमें लॉन्ग टर्म विजन लेकर घूमना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। गाइज दो तरह की इन्वेस्टिंग होती है, एक होती है ट्रेडिंग, उसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं, इंट्राडे भी कह सकते हो ट्रेडिंग, मतलब आपने निकाला थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, हमने डायरेक्ट उसको निकाल लिया, हमने इन्वेस्ट किया थोड़ा सा दिख रहा है कि अरे यार थोड़ा प्रॉफिट हो गया उसको निकाल लिया, ये होता है ट्रेडिंग। एंड ट्रेडिंग में यार बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बिकॉज अगर आप अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। गाइस देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इन्फोसिस को मान लेते हैं, इन्फोसिस ने जब अपना IPO निकाला था, मतलब जब वो कंपनी नई नई आई थी स्टॉक मार्केट में, अगर उस समय आपने खाली 100 शेयर ले लिए होते ना इन्फोसिस के, ओनली 100 शेयर्स, तो आज आप करोड़पति होते गाइस, आज आप करोड़पति होते अगर आपने उस समय खाली इन्फोसिस के 100 शेयर्स ले लिए होते। तो गाइज इस तरह से ना अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त होने वाला है। और गाइज जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, आप सब वॉरेन बफेट जी को तो जानते ही होंगे, वो कहते हैं कि अगर आपने ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना जो बिज़नेस बहुत अच्छा कर रही है, अगर ऐसी कोई कंपनी है जो बिज़नेस बहुत अच्छा कर रही है, तो उसका स्टॉक्स अपने आप ऊपर जाएगा, उसका स्टॉक्स खुद से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा अगर उसका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस ऐसे स्टॉक्स में निवेश करिए, ऐसे स्टॉक्स में मतलब ऐसे स्टॉक्स को बाय करिए जिसमें आपको खुद को भरोसा है, जिसमें आपको खुद को ट्रस्ट है कि हाँ ये कंपनी बहुत बढ़िया है और ये कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो मुझे प्रॉफिट लाकर दे सकती है। उस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है कि यार बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, कौन से प्लेटफॉर्म में हम इन्वेस्ट करें, कौन सा हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा कौन से प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। तो गाइस देखिए जो पहले जो इन्वेस्टिंग होती थी ना वो सब रिटर्न होती थी यार, वो सब पार्सल से आते थे सामान, एंड बहुत ज़्यादा झमेला रहता था, बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन रहता था पहले के समय में। बट ये आजकल ये सब बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, बस आप एक क्लिक से
एक क्लिक से आप बाई कर सकते हो, एक क्लिक से आप सेल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया इन्वेस्टिंग करना। तो गाइज जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं दो यूज़ करता हूँ, एक अपस्टॉक्स एंड एक ज़ीरोधा, ये दोनों यूज़ करता हूँ और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं जो मैंने यूज़ किए हैं एंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए अभी ज़ीरोधा में भी आप बहुत इजीली अकाउंट खोल सकते हो, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं किस तरह से खोलें अकाउंट, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं तो बैठा ही हूँ ना, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अपस्टॉक्स में ना गाइज रतन टाटा जी ने भी बहुत इन्वेस्ट किया है अपस्टॉक्स में, तो आप आँख बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है ये दोनों, ज़ीरोधा एंड अपस्टॉक्स। इन दोनों को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक से आप लोग डाउनलोड करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर कर दिए हैं, और आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो गाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू for watching।